कैसी होगी अरशद वारसी और जीतू भैया की फिल्म भागवत, कहां हो चुकी है फिल्म की शूटिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। मुन्ना भाई के लाडले सर्किट यानी कि अरशद वारसी अपनी एक और फिल्म के साथ ऑडियंस के सामने आ रहे हैं और फिल्म का नाम है भागवत। इस फिल्म में अरशद के साथ नजर आएंगे जितेंद्र कुमार, जो कि फिल्मों के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी धमाका कर चुके हैं। वो शुभ मंगल ज्यादा सावधान, कोटा फैक्ट्री के साथ साथ अमेजन प्राइम की पंचायत में नजर आए थे और अब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं इस फिल्म के साथ। वैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में रियल लाइफ स्टोरीज पर फिल्में बनाना कॉमन हो चुका है, उसी तरह से ये फिल्म भी रियल कहानी पर बेस्ड होगी और अरशद भी ऐसे ही स्क्रिप्ट की तलाश में थे जिसकी कहानी रियल एंड स्ट्रॉन्ग हो। इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है और फिल्म की ज्यादातर शूटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। अरशद वारसी सन 2022 में आई अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे में नजर आए थे, ये उनकी आखिरी फिल्म थी, पर अब वो भागवत फिल्म के जरिए हमें एंटरटेन करने के लिए वापस लौट रहे हैं और उनका साथ निभाएंगे जीतू भैया यानी कि जितेंद्र कुमार, जो पहली बार उनके साथ काम कर रहे हैं। वैसे इस फिल्म का नाम सुनकर बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अरशद इसमें कॉमेडी अवतार में नजर आएंगे या सीरियस वाले अवतार में, पर इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, पर अभी तक उन्होंने सस्पेंस रखा है। हमारे जीतू भैया भी हमें अलग अलग मीडियम के जरिए एंटरटेन कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि भागवत जैसी रियल कहानी पर बेस्ड फिल्म सबको पसंद आए। वैसे मेकर्स ने अचानक से ही धमाका कर दिया क्योंकि फिल्म की शूटिंग तो लगभग पूरी हो चुकी है। अब देखते हैं कि रिलीज डेट के बारे में क्या खबर आती है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।